इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एफिलेटेड टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपकी जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरा, इंटरव्यू में ये असेस किया जाता है कि आपने ये इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस थी वो आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपने रीड की हुई है, दैट इज व्हाई ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, हम ये भी देखेंगे क्योंकि ये काफी पुरानी भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कौन सी रेलेवेंट है। हर हालत में रेलेवेंट नहीं रेलेवेंट आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू तक आपको लाभ लेना है। फर्स्ट है नीटली एंड एलिजिबली फॉर्म फिल करना है। पहले मेरी गाइडेंस यही है, आप पहले एक रफ जो है प्रिंट निकाल के उसको फिल कीजिए, ठीक है, अपनी ही हैंडराइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, किसी भाई बहन की सोनी हैंडराइटिंग में मत फिल कीजिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल छोटा मोटा टेस्ट भी होता है तो आपकी हैंडराइटिंग अगर आप खुद फिल नहीं करते तो इंटरव्यू में इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है कि जो बंदा अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकता वो टीच क्या करेगा। दैट इज वाई हर हालत में ये इंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शन को आप, ये इंटरव्यू की तैयारी भी है आपके साथ साथ में, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। कई फीमेल को ये प्रॉब्लम आती है कि मैरिज के नाम बाद मैट्रिकुलेशन में टेंथ में कोई नाम और है या सर नेम मैरिज के बाद चेंज हो गया है। देखिए, उसकी एफिडेविट डिफरेंट लग जाता है, डिफरेंट एफिडेविट एक लग जाता है कि ये जो दो नाम है ये वो सेम पर्सन के हैं। कोर्ट में जाके, सुविधा सेंटर पे जाके इजीली बन जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली यहाँ रुकना नहीं है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट सामने रख के ही फिल करना है। बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन प्लीज नोट द गिवन रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट जो आपने देख ली है, हाँ आपको देखनी चाहिए, उसका डिफरेंट वीडियो है, आपने शुरू में शायद देख लिया होगा। इस दो एडवर्टाइजमेंट है, एक न्यूज़पेपर में आई है, ये भी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, जो आपको पहली सबसे पहली वीडियो में आपको दिखाई गई थी, तो वो दैट इज वाई इंटरव्यू के लिए आपको वो सारा पता होना चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाकर खुद रीड कर सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो देखिए, ऐसी कोई लालच नहीं है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। फॉर एग्जांपल, कई बार होता है कि आप म्यूजिक के लिए, चलो म्यूजिक तो नहीं, चलो म्यूजिक के लिए एलिजिबल हो और साइकोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है, तो म्यूजिक के लिए सेपरेट, साइकोलॉजी के लिए सेपरेट, या प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल हो और प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। तो यहाँ तो प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर है, सब्जेक्ट वाइज अगर डिफरेंट बनती है तो आप डिफरेंट दो एप्लीकेशन फिल करोगे, इसको उड़ा देते हैं। इन केस यू आर अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, इसको यह समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर चैनल क्या होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक मिनट, प्रॉपर चैनल यही है, सॉरी प्रॉपर चैनल ये प्रॉपर चैनल है। प्रॉपर चैनल क्या है कि जहां पर आप एम्प्लॉई हो, यहाँ जॉब कर रहे हो, वो बेशक प्राइवेट है, एडेड है, गवर्नमेंट है, वो उसका जो हेड है, वो एम्प्लॉयर है, उसके सिग्नेचर और सील लगी हुई होनी चाहिए और उसकी रिकमेंडेशन जहां कोई कमेंट वो देते हैं वो यहाँ आप लिखवा सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि आप अपने मालिक को बता के दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हो, अगर ऐसा है तो उसकी परमिशन मिल गई है, ठीक, तो आप स्मूथली जो है इंटरव्यू तक से आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर साइन नहीं हुए हैं, यहाँ और यहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयर है उसके नहीं है, तो इसको माना जाता है कि ये क्या है, नॉट अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो ये प्रॉपर चैनल नहीं है। प्रॉपर चैनल क्या हुआ, अगर ऐसा किया है, अगर आपने ये सिग्नेचर नहीं करवाए अपने एम्प्लॉयर से, देन आपको इंटरव्यू से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको कंसिडर पोस्ट के लिए नहीं किया जाएगा। इफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द कैंडिडेट इज मिसिंग इन सर्टन
वाइटल रिस्पेक्ट सच एज डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी है, क्योंकि एज कई बार होती है, दैट इज वाई केयरफुली फिल कीजिए। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड मार्क्स गलत फिल हो गए हैं आपके, मैक्सिमम मिनिमम या परसेंटेज गलत हो गई है, कुछ भी ऐसी कॉलम नंबर 10 से 13 तक जो की इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा इसलिए जरूरी है, इसमें यही इंफॉर्मेशन है, तो ये पॉसिबल होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए नाम बुलाया जाए। सिक्स पॉइंट है, प्लीज 10 ये बात पहले भी हो चुकी है, 10 फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ बायोडाटा, नंबर एक, पब्लिकेशन लिस्ट, नंबर दो, एनी अदर क्लेम, ठीक, इनकी 10 कॉपीज जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट है उसमें 2 कॉपीज लिखी हुई हैं। अब 2 या 10 कौन सी आपने सिलेक्ट करनी है उसके लिए लॉजिक साफ है, बायोडाटा पब्लिकेशन अदर क्लेम, यहां जाके देखते हैं। जब ये आपके इंटरव्यू होनी है तो इंटरव्यू भी मान लीजिए होते हैं, आप यहाँ बैठे हो, कम से कम 8 या 10 पैनल में मेंबर हैं, तो वो बायोडाटा की कॉपी इनके पास होगी, इनके पास होगी, इनके पास होगी, सभी के पास होगी, और उनको रीड करके उनमें से आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप क्लेम कर रहे हो कि मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर चुका हूं या कर सकता हूं, मेरे रिसर्च अचीवमेंट ये है, मुझे एक्स्ट्रा जो वेटेज मिलनी चाहिए, जहां आप को करिकुलर एक्टिविटी को एक अचीवमेंट का डॉक्यूमेंट देते हो, जो भी एडिशनल क्लेम के आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं बायोडाटा की, एडिशनल क्लेम की और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की 10 कॉपी इनके पास होगी, तो उनको स्टडी इंटरव्यू के वक्त ये करके इसमें से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो बीच में क्लेरिकल स्टाफ आता है जिन्होंने ये फॉर्म आपके रिसीव करने हैं, अब वो आपकी एक कॉपी से उसको 10 कॉपी में नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लेबर वाला प्रोसीजर है, दैट इज वाई यू हैव टू प्रोवाइड 10 कॉपीज। जी ये क्लियर हो गया कि आपने 10 फोटोस्टेट कॉपीज प्रोवाइड करनी है, अपने बायोडाटा की हो गया, पब्लिकेशन लिस्ट की, ठीक, अदर क्लेम, इसके अगर आप 10 नहीं प्रोवाइड करते तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेम हिज और पब्लिकेशन हिज पब्लिश्ड वर्क, ठीक, रिसर्च पेपर हो सकते हैं या कोई और कंट्रीब्यूशन आपकी लिटरेचर में हो सकती है, लैंग्वेज में हो सकती है, किसी और फील्ड में, एजुकेशन में हो सकती है, रिसर्च में भी, मोस्टली रिसर्च में हो सकती है, यहाँ रिसर्च की बात हो रही है, कि उसको इक्विवेलेंट माना जाए पीएचडी के, अगर आप ये दावा करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है, ठीक, आउटस्टैंडिंग काम है, चलो मैं बताना चाहता, मेरी फॉर्मल वो काम नहीं है, मैं मेरा प्याजे पर, जैसे प्याजे ने इतने एक्सपेरिमेंट किए थे अपने 3 बच्चों पर, मैं मेरे कम से कम 100 से ज्यादा मैंने बच्चों पर वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, साइकोलॉजी की एक डेवलपमेंट की थ्योरी है, अगर उस डाटा को एनालाइज करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखता हूँ कि ये मैं उस पर उसके बेस पर पब्लिकेशन हुई है और वो फंडामेंटल रिसर्च जो बाहर हुई है उसके बेस पर मैंने एक बड़ा इंडिया में काम पहली बार किया है, मान लीजिए, है ना, ऐसे एक और बर्ब पर मान लीजिए किया है, उस पर भी मैंने काफी डाटा कलेक्ट हुआ है, मेरा काम हुआ है, तो ऐसे काम को आप जो उसका पब्लिश्ड वर्क है, जो वो काम किया है, वो जो डिजिटल बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसको आप सारे को सप्लाई करोगे, मस्ट सेंड, क्योंकि हो सकता है कि ये आप वीसी सर को कह रहे हो ना कि उसको पीएचडी के इक्विवेलेंट मांगो, वीसी सर क्या करेंगे कि 2 या 3 या 4 जो आपके डिसिप्लिन के मेंबर हैं उनको वो जो आपका पब्लिश्ड वर्क होगा, जब जो एडिशनल वर्क आपने दिया है वो इनको इवेल्युएट, ये वर्क को ये जने करेंगे, इनको इवेल्युएट करके ये बताएंगे कि इनको पीएचडी के इक्वल माना जाना चाहिए या एक्स्ट्रा वेटेज दी जानी चाहिए या नहीं। जनरली ये ऐसा केस नहीं होते हैं, अपने जो मेरे एक्सपेरिमेंट है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसका कंपैरिजन रियल प्याजे के साथ है, पब्लिश्ड वर्क है, वो सारा भेजना पड़ेगा।
तो ये उन्होंने कहा है पर्टिकुलर फॉर द पोस्ट ऑफ रीडर, रीडर अभी यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, प्रिंसिपल की है जो प्रोफेसर के इक्विवेलेंट है, वहां ऐसा आप ऐसे केस में आप भेज सकते हो। इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी इन द एफिलिएटेड कॉलेज, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के ही किसी कॉलेज में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन की है रिसर्च वर्क में, वो आप वो उनके लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक। किसी एफिलिएटेड कॉलेज में उसी जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कॉलेज में ही मैं कर रहा हूं, तो मैं ऐसी कंट्रीब्यूशन जो है उसकी क्लेम कर सकता हूं। तो अगर आपकी ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप क्लेम कर सकते हो इस इन पोस्ट के लिए। कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली इंडिकेट द, इनवेरिएबली मीन ऑलवेज इंडिकेट द नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ रेफरीज, ठीक। ये पुराने फॉर्म है तो रेफरीज पहले होते थे, आपके लिए वेरी इजी है। आपका कोई जो अच्छे रिनाउंड टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, कोई एचओडी हैं, जहां रिसर्च के आपके कुलीग हैं कोई, ठीक, कोई डीन है, उनका आप रेफरेंस दे सकते हो, आपको उनको बता भी देना चाहिए। वेल नोन प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए, और वो तीन नाम, उनके एड्रेस और आपने उनका ऑफिशियल एड्रेस फिल करना है, वो क्लियरली कॉलम नंबर 18 में पहले भी डिस्कस कराए हैं। नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट इनवेरिएबली अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, अटेस्टेड कॉपी हर हालत में जरूर चाहिए। नंबर दो, फॉर्म कंप्लीट चाहिए। नंबर तीन, अटेस्टेड कॉपीज जो भी आपने एडिशनल क्लेम किया है जैसे पीछे बात करके आए हैं उनकी साथ में कॉपीज जरूर चाहिए। चेकलिस्ट मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो कि कौन कौन सी साथ में डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इंटरव्यू के, वेरिफिकेशन के, जहां जब आपने तैयारी करनी है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तब, वो आप वीडियो सेपरेट देख सकते हो। ऑल क्लेम मस्ट सपोर्टेड बाय रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, क्लियर है, वाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद द एड्रेस। अगर आप जब यूनिवर्सिटी को कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे हो, तो वो आप लिखोगे कि फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, साथ में जरूर लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। अच्छा, आपकी जो यूजीसी के द्वारा पे स्केल जैसे उम्मीद करते हैं कि मिलेगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उसका पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। यूजीसी रेगुलेशन 2016-2018 और पंजाब गवर्नमेंट और पंजाबी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन क्या है वो आप वीडियो देख सकते हो। कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड पंजाबी, जिन्होंने पास नहीं की उनको 2 साल दिए जाएंगे ये, अगर 2 साल ज्वाइनिंग के बाद, ये आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद 2 साल मिल गए, आपने 10th तक की पंजाबी पास करनी है, अगर नहीं करते तो जॉब से निकल जाओगे, इसका मीनिंग है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं, जहाँ डेट से लेट मिलती हैं वो आप एंटरटेन नहीं की जाएगी। द एलिजिबिलिटी ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन हाँ एक्वायर्ड बाय हिम और हर लास्ट डेट, फॉर एग्जाम्पल 14/14/1/2022 लास्ट डेट है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस 10/1/2022 को 15 साल का होता है, 15 साल का एक्सपीरियंस आपका किसके लिए चाहिए, प्रिंसिपल के लिए चाहिए, तो इट मींस आपको एप्लीकेशन 10 और 14 के बीच वहां पहुंचानी है, उनको रिसीव होनी चाहिए। अगर आप 10 से पहले भेज देते हो, 9 को उनको रिसीव हो गई, तो इट मींस 15 साल से 1 या 2 दिन आपके कम रह गए और आप नॉट एलिजिबल हो गए। दैट इज वाई जब आप उनकी उनके पास एप्लीकेशन पहुंचेगी, आपकी टोटल एलिजिबिलिटी, मैंने एक्सपीरियंस की एग्जांपल दी है, आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, आउट होने वाला है, कॉन्फिडेंशियल आना है, उस डेट से पहले आपका वो आ जाना चाहिए जब वो एप्लीकेशन रिसीव होगी, ठीक। इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसके लिए डिफरेंट वीडियो देखना होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टेस्ट की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो डाटा एनालाइज करके आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इन पोस्ट के लिए क्या क्या हो सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज,
इसके साथ एसोसिएट वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू या सिलेक्शन मोड में आपको उसका फायदा हो सकता है। अवेयर नहीं रहोगे तो आपको पीछे वाले कैंडिडेट माना जाएगा। बाकी आपको तैयार रहना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। थैंक यू।